नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक निगम है और आप देख रहे हैं आपकी बात। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से जारी बवाल अभी तक थमा नहीं। आपको बता दें कि अब दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है और करीब 200 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल केजरीवाल एंड अदर ऑफिसर्स के साथ बैठक की और दिल्ली की हिंसा पर चर्चा भी हुई, लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बावजूद भी दिल्ली का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज यानी कि वेडनेसडे मॉर्निंग को भी कुछ गुंडों ने गोकुलपुरी इलाके में एक दुकान में आग लगाकर भाग गए। दिल्ली के बवाल को अब संभालने के लिए NSA अजीत डोवल को मैदान में उतारा गया है। अजीत डोवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट को दिल्ली हिंसा के बारे में जानकारी देंगे। मंगलवार शाम को अजीत डोवल दिल्ली के कई इलाकों में भी गए जहां पर हिंसा हुई थी और वहां का जायजा लिया। आपको बता दें कि दिल्ली में वायलेंस फैलाने वालों के लिए वार्निंग जारी की गई है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन हिंसा फैलाता है तो मौके पर ही उसको गोली मार दी जाएगी। वैसे आज धीरे धीरे हालात काबू में तो हो रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में स्थिति अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है। दोस्तों, दिल्ली ने लगातार 3 दिनों से हिंसा देखी है और काफी हद तक ये साफ भी हो गया है कि कहीं ना कहीं हम सब की इंसानियत मरती चली जा रही है। लोग भीड़ में चेहरा छुपाकर अपनी हैवानियत को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। क्या आप में से किसी ने ये सोचा है कि जो 18 लोग हिंसा में मरे हैं, यदि उनमें से एक भी सदस्य आपके परिवार का होता तो क्या आप तब भी ऐसा ही इग्नोर करते? प्रोटेस्ट के नाम पर आज दिल्ली को जलाने वाले लोग कौन हैं? डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना या किसी भी एक्ट या कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाना ठीक है, पर क्या डेमोक्रेसी में आपको किसी ने किसी को मारने की इजाजत दी है? ये हो क्या रहा है देश में? जिन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करके देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान करना चाहिए, वो आज सड़कों पर पत्थरबाजी और गोलीबाजी कर रहे हैं। क्या इसे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहेंगे? और उधर दूसरी ओर जिन नेताओं को जनता के हित में स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनवाने थे, वो हिंदू मुस्लिम करके लोगों के अंदर नफरत फैलाते दिख रहे हैं। कुछ नेता सड़कों को जाम करवा रहे हैं तो कुछ महिलाओं को भड़काकर हर मोहल्ले को शाहीन बाग बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं था मेरा देश। मेरे देश को प्यार और सम्मान के लिए जाना जाता है, नफरत की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि वायलेंस किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। अगर आपको किसी भी चीज़ से तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको बैठकर हम डिस्कस कर सकते हैं। आपकी क्या है सोच इस मुद्दे के बारे में, हमें कमेंट करके बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फोलो न्यूज़ इंडिया।